हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, वी केयर वी शेयर में आपका स्वागत है। और हाय टू माय डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज फ्रेंड्स एंड माय व्हाट्सएप ग्रुप रन फॉर फन। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है कि हम लॉन्ग रन बिल्डअप कैसे करें, कैसे हम पहली हाफ मैराथन को भागें जब हम 5 या 10 किलोमीटर भागते हों। क्योंकि लॉन्ग रन तो हफ्ते में एक ही दिन करना है, जिस दिन आपको लंबा भागना है। इसके लिए आप कुछ पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में भी डाल दूंगा। तो सपोज़ आप हफ्ते में एक दिन लॉन्ग रन करते हैं और मान लीजिए आप 5 ही किलोमीटर भागते हैं, तो बुक्स के हिसाब से आपको 10% बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब 5.5, फिर उसके बाद 6, फिर 6.5, फिर 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10। तो इस तरह से लगभग 5 किलोमीटर बढ़ाने में आपको 10 हफ्ते लग जाएंगे। और उसके बाद फिर 10 से लेके 16 किलोमीटर तक भी अगर आप भाग लेते हैं तो आप हाफ मैराथन को कम्फर्टेबली पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब आपको 6 हफ्ते और चाहिए। तो इसका मतलब जो लोग सिर्फ 5 किलोमीटर भागते हैं, अगर वो 10 हफ्तों में 5 किलोमीटर और बढ़ाएं तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा, और उसके 6 हफ्तों में 1-1 किलोमीटर और बढ़ाएं तो वो 16 किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग मिस आउट कर जाते हैं वो ये है कि जो रनिंग है वो एग्ज़ाम से बिल्कुल उल्टी है। जैसे एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करनी होती है, हार्डवर्क करना होता है, और जो हाफ मैराथन है उससे पहले आपको 1 या 2 हफ्ते पहले टेपर करना होता है, तो आपको 2 हफ्ते वो भी जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 10 + 6 + 2, इसका मतलब लगभग 18 हफ्ते हो गए। तो अगर आप सिर्फ 5 किलोमीटर भाग पाते हैं या चल भी पाते हैं तो आप हाफ मैराथन 18 हफ्तों में आराम से प्लान कर सकते हैं, जो लगभग 4 महीने 4.5 महीने के आसपास बैठेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 10 किलोमीटर भागते हैं तो आपको कितने चाहिए, 6 हफ्ते 16 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए और 2 हफ्ते टेपर करने के लिए। इसका मतलब आप सिर्फ 2 महीने में भी हाफ मैराथन को भाग सकते हैं। बट एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि एक्चुअली अगर आपने 21.1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और पहली बार भी करना है, और अगर आप प्रैक्टिस रन में ही 23 या 25 किलोमीटर भाग लेते हैं तो उसके बाद आपका कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने वो सब चीज़ें फील कर ली होंगी जो 16 से 21 किलोमीटर में फील करनी होंगी, तो आपको बिल्कुल डर नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको प्लान जो है वो 2 महीने या 3 महीने का नहीं बल्कि 5 या 6 महीने का बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सेफ जोन में होगा, इंजरी फ्री होगा, रिलैक्स होगा। उसके लिए बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है पेशेंस। तो आज क्योंकि मैं लॉन्ग रन का वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने खुद भी लॉन्ग रन किया अपने दोस्त प्रदीप के साथ, 30 किलोमीटर जो कि मैंने पूरा किया बहुत ही स्लो, 5 घंटे 15 मिनट में, और हार्ट रेट भी लगभग 130 के आसपास ही रहा। इसके स्टैट्स मैं इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूँगा। अगर आप इस तरह के वीडियो दोस्तों और भी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। और मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।